रीवा शहर की यातायात व्यवस्था चौपट करने में अगर किसी की महत्वपूर्ण भूमिका है तो वह है हाथ ठेला और ऑटो चालकों की। पूरे शहर में कुकुरमुत्ते की तरह फैले हाथ ठेलों के चलते दिन में सैकड़ों बार जाम की स्थिति निर्मित होती है। लंबे समय से चली आ रही इस व्यवस्था की जानकारी नवनिर्वाचित महापौर अजय मिश्रा को हुई तो विगत दिनों उनके द्वारा भ्रमण कर उक्त अवैध रूप से जमे ठेले चालकों को हटा दिया था। यह व्यवस्था पार्किंग ठेकेदारों के द्वारा फैलाई गई थी क्योंकि वह पैसा लेकर फ्लाईओवर के नीचे ठेला लगवा रहा था, जिसके चलते सिरमौर चौक से लेकर कॉलेज चौराहा, सिरमौर चौर से लेकर समान तिराहा तक जाम की स्थिति निर्मित होती है। महापौर अजय मिश्रा बाबा के प्रयास से जहां इनको हटाया गया तो वहीं हाथ ठेला वालों के राजनीति शुरू कर दी और दूसरे दिन नगर निगम कार्यालय पहुंचकर अपने लिए स्थान की मांग की। हालांकि आपको बता दें, इसके पहले नगर निगम ने हाकर कॉर्नर का निर्माण कराया है जहाँ नशेड़ियों का जमावड़ा लगता है। इसकी वजह यह है कि यहाँ हाथ ठेले वाले कभी खड़े ही नहीं होते। अवैध रूप से ठेला लगाने वालों ने एक बार फिर अपने ठेलों को व्यवस्थित करने की गुहार नगर निगम से लगाई है। ठेला वालों के नगर निगम पहुंचने पर ठेला व्यवसायी और नगर निगम महापौर अजय मिश्रा बाबा ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। उनका ये कहना है कि अभी जो हमारे यहाँ हम लोगों ने कार्रवाई की, तमाम कॉलेज चौराहे से लेकर पीके स्कूल तक, इधर सरदार पटेल तिराहा तक, इतना अतिक्रमण था कि आवागमन बाधित हो रहा था। फ्लाईओवर के नीचे अवैध दुकानें लग गई थी, जो पार्किंग वाला है उनसे अवैध वसूली कर रहा था और टैक्सियों का वहीं से नंबर लगने लगे थे, जबकि टैक्सी स्टैंड बना हुआ है, हॉकर्स कॉर्नर बना हुआ है, इन्हीं व्यवसायियों के लिए, फुटकर व्यापारियों के लिए ही बनाया गया है। करोड़ों रुपये नगर निगम ने उसको बनाने में खर्चा किया है। वहीं पर सब्जी मंडी है, वो वहाँ नहीं जाना चाहते, वो कहते हैं हमको फ्लाईओवर के नीचे ही जगह दी जाए। मैं उनसे कह चुका हूं कि मैं फ्लाईओवर के नीचे आपको जगह नहीं दे सकता हूं, आपको वहीं से ही व्यवसाय करना पड़ेगा। नगर निगम का अमला वहां पर खड़ा है, उनको जगह देने के लिए खड़ा है, वो वहां पर नहीं जाना चाहते हैं, और जबकि वहां पर उनकी सारी व्यवस्थाएं कर दी गई। जगह आवंटन कहाँ की गई? जगह वहाँ पर हाकर्स कॉर्नर में, जगह कम ही बता रहे हैं। वो जाएंगे तब ना, उनको वो उनके बताने से क्या होता है, एक एकड़ से ऊपर की जगह है, 50 लोग भी नहीं है, वो जाएं तो उनको 8x5 की जगह दे दी जाएगी। जाना नहीं चाहते हैं तो इसके कारण वो चाहते हैं कि जो भी व्यवसाय, रीवा का एक ये मानसिकता हो गई है कि रीवा का व्यापारी ये चाहता है कि सब कुछ सड़क पे ही हो। दुकानदार हैं वो दुकान के बाहर बरंडे पे सामान रख लेते हैं, बरंडा वाला है वो सड़क में सामान रख लेता है, ठेला वाला है 20 सड़क में ठेला लगा लेता है। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, इस तरह की व्यवस्थाओं से निजात देने के लिए कुछ ना कुछ तो संघर्ष सभी को करना पड़ेगा। कि जहां पर टैक्सी स्टैंड है वहां से मनगवा की रोड की सवारी नहीं बैठती हैं और जिसके कारण हमारा व्यवसाय प्रभावित होता है, हमको आप एक टैक्सी का नंबर लगाने के लिए दे दो स्थान कि एक एक टैक्सी करके हम नंबर लगाएंगे। तो मेरा कहना है कि ये प्रथा बन जाती है, ये धीरे धीरे वहाँ पर बहुत सी टैक्सियाँ खड़ी हो जाती हैं। हमारी DSP ट्रैफिक से बात हुई है तो ये हुआ है कि एक हफ्ते अभी ये वहीं पर लगाएं, इसके बाद उस पर विचार विमर्श किया जाएगा कि उनको एक टैक्सी की जगह दिया जाए कि ना दिया।